यार सेवन फेज की अगर बात करें तो रिक्तियों की जो गणना है उसको लेकर लेटर जारी हो चुका है और अभ्यर्थी अब एकेडमिक मार्क्स पर बहाली, SAT मार्क्स पर बहाली, ये सारी चीज़ें सोचने में लगे हैं। ऑनलाइन बहाली, सेंट्रलाइज बहाली की बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है रिक्तियों को लेकर, जिससे आपको इस वीडियो में हम अवगत कराने वाले हैं। और ये समस्या इतनी ज़्यादा जटिल है कि इसका समाधान अभी कोई भी ढूंढने के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को, चाहे SAT हो, BTET हो या CTET अभ्यर्थी हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि रिक्तियों की गणना को लेकर क्या समस्या है जिसको लेकर मुझे ये वीडियो आज क्रिएट करनी पड़ी है। इस समस्या का पता मुझे तब चला जब बहुत सारे जो ऐसे बिहार के स्कूल्स हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो आसपास भी रहते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से भी कॉल करके या फिर अपनी जो समस्या है उनको मेरे साथ साझा करते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर वे वीडियो देखते होंगे तो। अक्सर यह पता चल रहा है कि देखिए रिक्तियों की गणना को लेकर जो लेटर जारी हुआ है तो प्रधानाध्यापक जो हैं कई स्कूल्स के, वह रिक्तियां जो हैं भेज ही नहीं रहे हैं। भेज कैसे नहीं रहे, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आपको बताएं कि कोई ऐसा विद्यालय है जो 1 से 8 तक ही है, यानी कि प्रारंभिक वहाँ पर पढ़ाई होती है, 1 से 8 कक्षाओं की पढ़ाई होती है, और वहाँ पर टीचर्स की अगर बात करें तो 1 से 5 में बहुत सारे टीचर्स बहाल हो रखे हैं, लेकिन 6 से 8 के लिए तो विषयवार होते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, सामाजिक विज्ञान, सब के लिए अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, 1 से 5 के टीचर्स ऐसे हैं जो 6 से 8 की भी मतलब जो पढ़ाई है करवाते हैं, 6 से 8 कक्षाओं को भी वही लेते हैं। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, प्रधानाध्यापक को सुविधा है कि 1 से 5 में जो टीचर्स दो हायर कर रखे हैं और 6 से 8 में भी वह उन्हीं को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। और ये उन स्कूल्स की बात नहीं है जो अपग्रेड हुए हैं, ये पहले से ही जो 1 से 8 के ही स्कूल्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ अभी, कि मतलब रिक्तियाँ जो है प्रधानाध्यापक वगैरह छुपा कर रखते हैं या फिर वह आगे नियोजन इकाइयों को भेजते नहीं है रिक्तियाँ। तो इसका सीधा सीधा असर जो है नियोजन प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। 6th phase में भी यही दुख हुआ, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स मैं देख रही हूँ आसपास जहाँ पर बिल्कुल भी टीचर नहीं है 6 से 8 के, किसी एक इंग्लिश का हो गया या किसी एक मैथ्स का है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिक्तियाँ हैं प्रधानाध्यापक द्वारा आगे फॉरवर्ड नहीं की गई। तो इस वजह से आज भी वहाँ पर 6th phase में देखिए इतने टीचर्स बहाल हुए, लेकिन उस स्कूल में आज भी एक भी टीचर मौजूद नहीं है किसी भी विषय का। क्यों? क्योंकि 1 से 5 के टीचर्स से काम लिया जा रहा है 6 से 8 को पढ़वाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जिसकी हायरिंग 1 से 5 में हुई है वह तो 6 से 8 में नहीं पढ़ाएगा ना जाकर, वह अपना विषय पढ़ाएगा, अपना बेसिक ग्रेड के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाएगा, 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो प्रधानाध्यापक है वह आगे रिक्तियाँ फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करके आगे नहीं भेज रहे हैं। तो ये समस्या देखिए 7वें चरण की बहाली में और ज़्यादा जटिल होने वाली है। क्यों? क्योंकि हज़ारों की संख्या में BTET CTET पास अभ्यर्थी हैं जो 1 से 8 की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात कर लें 9 से 12 की, तो उसके लिए तो ये समस्या और भी ज़्यादा जटिल और गंभीर है, क्योंकि उसमें रिक्तियों की संख्या आप लोग जानते हैं कि लिमिटेड होगी और जो अभ्यर्थी हैं SAT क्वालिफाइड वह काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, 80,000 अभ्यर्थी है। तो हम लोग बार बार ये तो कह रहे हैं कि 1 लाख बहालियाँ हो जाएंगी, इतना हो जाएगा, लेकिन ये बहालियाँ तभी तो होगी ना जब ये जो प्रधानाध्यापक आगे रिक्तियाँ फॉरवर्ड करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, जो 1 से 5 या 6 से 8 के टीचर्स हैं उन्हीं से 9th-10th क्लास को पढ़ाने का कार्य इनका चलता रहता है, तो ये सोचते हैं कि हमें रिक्तियाँ आगे हमें भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो 1 से 5 के टीचर्स हैं वह भी इतनी ज़्यादा संख्या में है, उनको भी अगर देखा जाए तो विभाग को यदि पता चला कि एक स्कूल में 1 से 5 के ही इतने टीचर्स हैं, तो बल्कि उनका तो ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल्स में हो जाना चाहिए, इतने ज़्यादा टीचर 1 से 5 के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रधानाध्यापक क्या करते हैं कि 1 से 5 के टीचर्स को 6 से 8 में, 6 से 8 का यदि कोई है तो उसको 9 से 12 में भेज देते हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि रिक्तियों को आगे भेज ही नहीं रहे हैं। इनके स्कूल में चाहे अपग्रेड भी हुआ है तो अपग्रेडेड स्कूल्स में तो टीचर है ही नहीं, किसी भी विषय का नहीं है, 9 से 12 की यदि बात कर ले, जो भी स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं, उत्क्रमित हुए हैं, वहाँ पर तो कोई भी विषय के टीचर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। 6 से 8 के ही टीचर्स यदि हैं तो उन्हीं से काम लिया जा रहा है 9 से 12 को पढ़वाने के लिए। 9 से 12 यदि बात कर ले तो बिहार के सरकारी स्कूलों में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल रेगुलरली जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सब्जेक्ट की पढ़ाई वहाँ हो ही नहीं रही है, टीचर ही अवेलेबल नहीं है।
तो इसलिए प्रधानाध्यापकों की ये बहुत बड़ी ये कमी है कि वे आगे रिक्तियां नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर बहाली प्रक्रिया पर पड़ेगा। रिक्तियों की संख्या पूरी तरह से कैलकुलेट होकर तो आएगी नहीं, थोड़ी बहुत रिक्तियां आएंगी, पुरानी रिक्तियां आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। जैसे कि जुलाई में ये 32,000 जो अभ्यर्थी हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, उनको नियुक्ति पत्र वगैरह मिलेगा, जितनी सीट्स हैं उससे बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, तो उसके बाद ये रिक्तियाँ आगे आ जाएंगी 7th फेज में। फिर इसी तरह से प्रारंभिक की 42,000 रिक्तियाँ हैं उनको आगे भेज देंगे, थोड़ी बहुत रिक्तियाँ इसमें और डाल देंगे। तो इसलिए ये इस चीज़ पर आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिले के जो DEO है DM है उनको इस समस्या से हमें अवगत कराने की बेहद ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को बुलंदी से हमें रखना है, इस बात को कि जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, वह इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि उनके विद्यालय में जितनी भी रिक्तियां हैं उनका अच्छी तरह से काउंट करके, उनको अच्छी तरह से गणना करके उनकी भेजा जाए विषयवार, ताकि आगे 7वें चरण के जो अभ्यर्थी बहाल होंगे उनको इस समस्या से मतलब निजात मिले। ऐसा ना हो कि रिक्तियां हैं फिर भी उनकी बहाली नहीं हो पाई, क्योंकि हमने देखा है 6th फेज में यही हुआ है, बहाली होने के बाद भी स्कूल्स में टीचर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही कहना था, इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक, सभी जो भी बीटेड सीटेड एसटेड अभ्यर्थी हैं इस चीज़ से अवगत हो, क्योंकि ये समस्या सुनने में छोटी लग रही होगी लेकिन ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आती है आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश